सवार थे जिनमें से तो अभी आप जैसा कि आपने पूर्व में भी चिकित्सा अधिकारी बरेली के लिए शिकायती पत्र दिया था, उन शिकायती पत्रों से कोई भी निस्तारण निकला नहीं है? अभी तक कोई निस्तारण नहीं निकला है और मैंने सीएमओ ऑफिस में गया था, सीएमओ सर को कंप्लेंट दी। उसके बाद आज मैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से मिला, उन्हें मैंने ये प्रार्थना पत्र दिया है। इस प्रार्थना पत्र में मैंने आज उनसे मिलकर दिया, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पर जिस दिन से मैंने शिकायत की है रुचि को हॉस्पिटल की, तो उस दिन से रुचि उर्फ सोमवति मुझे अलग अलग लोगों से धमका रही है और तो और मेरे पे बोल रही है कि देखिए भैया, जो अभी जो दिखा रहे हैं, अभी डिप्टी सीएम का भी काफिला यहाँ देख रहे हैं, यहाँ डिप्टी सीएम का काफिला जा रहा है। भैया अभी थोड़ी देर पहले जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, उनसे अभी भैया मिले हैं और उन्होंने लिखित शिकायती पत्र दिया। आप देख रहे हैं डिप्टी सीएम का काफिला भी हमारे सामने है और जानते हैं भैया से। तो मुझे वो रुचि उर्फ सोमवति उल्टे सीधे केस में फंसाने जा रही, बोल रही मैं महिलाओं में कुछ भी कर सकती हूँ और मेरे पर काफ़ी प्रकार से लोगों से दबाव बनवाया जा रहा है, मुझे मारने की धमकी दी जा रही है। फिर और समझ लो सारे तरीके से डीएनसी सब कर रही है, अभी भी हॉस्पिटल पे कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। क्या चाहते हैं आप? मेरा तो मानना है कि इस हॉस्पिटल को बंद कराया जल्द से जल्द, ये फर्जी है, इसके पास किसी प्रकार की डिग्री नहीं है। देखिए अभी जनपद बरेली के अंदर स्वास्थ्य विभाग ने बड़े स्तर पर एक अभियान चलाया है जो कि अनाधिकृत तरीके से हॉस्पिटल चला रहे हैं ऐसे लोगों पर, और देखते हैं जो नगरीय परिक्षेत्र में जो हॉस्पिटल है उसके कागजात की जांच के लिए लगातार ये भैया लगातार आगे बढ़ रहे हैं, सीएमओ से मिल रहे हैं। आज डिप्टी सीएम और जो स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक जी से भी मिले हैं, देखते हैं आगे स्वास्थ्य विभाग इस पर क्या करता है। तो अभी आप जैसा कि आपने पूर्व में भी चिकित्सा अधिकारी बरेली के लिए शिकायती पत्र दिया था, उन शिकायती पत्रों से कोई भी निस्तारण निकला नहीं है? अभी तक कोई निस्तारण नहीं निकला है और मैंने सीएमओ ऑफिस में गया था, सीएमओ सर को कंप्लेंट दी। उसके बाद आज मैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से मिला, उन्हें मैंने ये प्रार्थना पत्र दिया है। इस प्रार्थना पत्र में मैंने आज उनसे मिलकर दिया, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पर जिस दिन से मैंने शिकायत की है रुचि को हॉस्पिटल की, तो उस दिन से रुचि उर्फ सोमवति मुझे अलग अलग लोगों से धमका रही है और तो और मेरे पे बोल रही है कि देखिए भैया, जो अभी जो दिखा रहे हैं, अभी डिप्टी सीएम का भी काफिला यहाँ देख रहे हैं, यहाँ डिप्टी सीएम का काफिला जा रहा है। भैया अभी थोड़ी देर पहले जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, उनसे अभी भैया मिले हैं और उन्होंने लिखित शिकायती पत्र दिया। आप देख रहे हैं डिप्टी सीएम का काफिला भी हमारे सामने है और जानते हैं भैया से। तो मुझे वो रुचि उर्फ सोमवति उल्टे सीधे केस में फंसाने जा रही, बोल रही मैं महिलाओं में कुछ भी कर सकती हूँ और मेरे पर काफ़ी प्रकार से लोगों से दबाव बनवाया जा रहा है, मुझे मारने की धमकी दी जा रही है। फिर और समझ लो सारे तरीके से डीएनसी सब कर रही है, अभी भी हॉस्पिटल पे कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। क्या चाहते हैं आप? मेरा तो मानना है कि इस हॉस्पिटल को बंद कराया जल्द से जल्द, ये फर्जी है, इसके पास किसी प्रकार की डिग्री नहीं है। देखिए अभी जनपद बरेली के अंदर स्वास्थ्य विभाग ने बड़े स्तर पर एक अभियान चलाया है जो कि अनाधिकृत तरीके से हॉस्पिटल चला रहे हैं ऐसे लोगों पर, और देखते हैं जो नगरीय परिक्षेत्र में जो हॉस्पिटल है उसके
कागजात की जांच के लिए लगातार ये भैया लगातार आगे बढ़ रहे हैं, सीएमओ से मिल रहे हैं, आज डिप्टी सीएम और जो स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक जी से भी मिले हैं। देखते हैं आगे स्वास्थ्य विभाग इस पर क्या करता है।